हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह बिना घी की बनी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हम एक बर्तन चढ़ाएंगे। इसमें हम एक कटोरी पानी डाल देंगे और एक कटोरी ही चीनी डाल देंगे। मीठा आपको जैसा पसंद हो, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चाशनी में उबाल आ गया है तो इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमें एक तार की हल्की चाशनी चाहिए। यह देखिए, चम्मच से जो हमने इस तरह से गिराया तो लास्ट ड्रॉप गिर रहा है, इसका मतलब चाशनी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम एक मिनट से ज़्यादा ढककर नहीं रखेंगे देर तक। और यहाँ पर हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है। गैस पर हम बर्तन चढ़ाएंगे। इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें बेसन डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर हम इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक हमें इसे भूनना है। इसमें हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। बेसन को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे हम बस हल्का ही भूनना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और यह भूनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर प्लेट पर हम ऑयल लगा लेंगे और बेसन में अब हम चाशनी को डाल देंगे। चाशनी को हम अच्छी तरह से इसमें मिला देते हैं और इसमें अच्छा स्वाद लाने के लिए इसमें हम 2-3 कुटी हुई इलायची डाल देंगे। इलायची डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी दोगुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इलायची डाल दिया है, इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। यह बर्फी जमने के स्टेज पे आ चुकी है तो इसे हम थाली में रख देते हैं। थाली में हमने पहले से ही ऑयल लगा कर रख लिया था, तो सारे हमने मिश्रण को इस थाली में रख दिया है। चम्मच से इस तरह से दबाते हुए आप इसे सेट कर लें। आप चाहे तो स्टील का छोटा सा चम्मच होता है उसे भी आप इस तरह से चिकना इसे कर सकते हैं। और इसमें आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल दें। तो यहाँ पर हम इसमें बादाम डाल देंगे और इसे चम्मच से इस तरह से दबा देंगे और इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं तो इसे हम काट लेते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार इसका शेप काटें। तो हम इसे यहाँ पर बर्फी का शेप काट रहे हैं। तो यह बर्फी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, बिना घी की बर्फी हमारी बनकर तैयार हो गई है, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसे ज़रूर बनाएं। और मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।